और देखती हूँ कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मैं इनको बोली हूँ कि बाबू आप छोड़ दीजिए मोतीराम तक मुझे, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। तो अभी निकल चुकी हूँ दोस्तों, अब पता नहीं देखते हैं कहाँ हमारी मंजिल ले जाएगी हमें। अरे 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 अरे, आखिर हम भी तो रहते हैं मुर्दा घट्टी के पास, कोई तो मुर्दा जागेगा मेरे अंदर समाएगा और वो मुर्दा जो है अपना बदला चुकाएगा। तो बदला कैसे चुकाएगा मैं बताऊंगी कैसे बदला चुकाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप लोग, हम भी नहा वहा के पूरा रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं वीडियो शूट करने। और देखिए यहाँ का मौसम देखिए, अब देखिए कैसा लग रहा है दोस्तों, पहले नहीं अच्छा लगता था, जैसे जब शीत घेरा रहता था थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता था, अभी देखिए कितना फ्रेश फ्रेश, जिस तरफ चाहिए जिधर चाहिए उस तरफ वैसे वैसे आप लोग वीडियो बना सकते हैं। और फिलहाल दोस्तों यहाँ मेरे महादेव जी बैठे, कहा बेटा नहीं है इधर, ये परेन बचल जा नहीं मुर्दा घटिया लगवा कौर यहाँ पर कदम परेन चल जा, दो तीन डुबकी मार के चलिए खाना खेले मुँह नहीं धोले है भर मुहवा का पोता बा। तो दोस्तों यहाँ देखिए मेरी सिया क्या बनाई है, मछारी। हेलो क्या है ये मछली, ये घर में टांगने वाला है दोस्तों। ये देखिए कितना अच्छा ये बनाई है सिया, ये देख सकते हैं आप लोग, ये कहाँ लगेगा ये। और दोस्तों आपको बता दे गोंद नहीं खरीदी है, ये तो ये आम ए रिया पापा आम के लाशा चिपके ले आ, देख रहे हैं दोस्तों। यार आने का एक फायदा और है, क्या है सिया, वो गोंद की जगह वो पेड़ का जो खून नहीं होता है उसको, पेड़ का खून होता है क्या होता है जी, पेड़ का दूध होता है। अरे दूध नहीं लाशा, वही सूख जाता है तो लाशा बन जाता है, उसके शब्दों में क्या बोला जाता है बेटा ऐसे गिरे था। अरे ना गिर जाए ना, हाँ चला चला, हाँ चला, हाँ चला। अरे गिर जाए रे बेटा, रह दे यार। देखिए रिया स्कूटी सीख रही है, मतलब चला रही है, इसको हम स्कूटी सिखवा रहे हैं। रिया से पंच दिन छुट्टी, जहाँ ठंड सहन चला सिखा दी। नहीं नहीं रह दे बेटा, गिर जाएगा। बैठ रहे रिया बैठ, स्टार्ट ना होई का, हार जा ठोक दे मार, ठोक दे कौन कहा था लाला कुत्ते, हमारे स्कूटी नहीं चलाया वाला रे। अरे अरे अब तो अरे अरे थई बंद। अभी देख लीजिए दोस्तों तैयार यार हो गए हैं, सोचे शॉर्ट वीडियो बनाए दोस्तों, गलती से एक लात लग गया महादेव जी को, गलती से लगा जानबूझ के नहीं लगा, वही बोल रहे थे झिलवा झिलने आता है झिलवा झिलने आता है झिलवा, बस कब देना एक लात लग गई है, कितना बेर 20-30 बेर हम माफी मांग बहनी फेंक देना बाहर ना, वो फेंक बा करिए बाहर दोस्तों, क्या बताए आप लोगों से 20-30 मतलब एक लात लगा वो धीरे से लगा ला, मतलब उलट गई ना थोड़ा सा क्या। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि यार झगड़ा खतरनाक हो गया है, एक लात जैसे लगा है वैसे मोबाइल वोबाइल सब फोड़ा गया है। आप लोग को बताना चाहूंगी कि अगर शाम तक हमसे माफी, मतलब माफी तो हम भी नहीं है हम ही मांग रहे हैं, कम से कम मान के चलिए 30-40 बार माफी मांग लिए हैं, माफ नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों अब तो हम कहीं जाने लायक है नहीं, अब चौराहे पर भी नहीं जा सकते हैं, इनकी माँ के घर भी नहीं, मतलब मैं अपने ससुराल जो हमारी जहाँ सासू माँ रहती हैं वहाँ भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारी खुद सासू माँ हमसे नाराज है, क्या बताएं, करनी न धरनी न कोनो गलती कहनी न कुछ कहनी, पता नहीं कोने बाती पर फूल जाली पर चक जाली। तो दोस्तों वो लोग गाना सुने आप लोग ना, पल में झगड़ा पल में प्यार है मन मौजी सासू जी हमार। तो दोस्तों आप लोग को बता दें मोबाइल जो मेरा है टूटा है, किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए मोबाइल कैसे टूटा है, चित्र आ गया है, ये देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए दोस्तों, और इसका स्क्रीन देख लीजिए, हम कैसा नहीं से ना रहनी, हम ऐसा ना रहनी, देखा तला लोगन हो ऐसा ना रहनी, हम स्क्रीन देख ला लोगन है देख ला लोगन,
मतलब 80,000 के मोबाइल का वाट लग गई एगो लात के वजह से। हम कहनी अरे यार हमके 4 लात मार ले ले रहता, लेकिन मोबाइल वह तुरस का मिल गए, कुछ मिल गए है कुछ नहीं ना। तो दोस्तों यही सब बात है। और दोस्तों अगर अभी मान के चलिए 1 घंटे के अंदर अगर झगड़ा सट आउट नहीं होगा तो भाई काली माई ऊपर आ जाएंगे। आखिर हम भी तो रहते हैं मुर्दा घट्टी के पास, कोई तो मुर्दा जागेगा मेरे अंदर समाएगा और वो मुर्दा जो है अपना बदला चुकाएगा। तो बदला कैसे चुकाएगा मैं बताऊंगी कैसे बदला चुकाएगा। ऐसे झुलवा झूल रही थी ऐसे ही ऐसे गई हूँ ऐसे मारी पकड़ पकड़ एक लात लगल है। दोस्तों ऑनलाइन मरले बानी लाते से ना ऑनलाइन माफी मांगा था, माफ कह दा ऑनलाइन माफी मांग रहे माफ। फाइनली दोस्तों हम निकल चुके हैं और यहाँ मेरी छनछन है और नमस्ते प्रणाम बाबा छोटे 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 तरी। आज मैं कहीं जा रही हूँ, आप लोग को अभी नहीं बताऊंगी, जब पहुंच जाऊंगी तब बताऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सच में मैं महादेव जी के साथ नहीं जा रही हूँ, सच में नाराज होके जा रही हूँ और देखती हूँ कहाँ जाऊंगी। क्योंकि मैं इनको बोली हूँ कि बाबू आप छोड़ दीजिए मोतीराम तक मुझे, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। तो अभी निकल चुकी हूँ दोस्तों, अब पता नहीं देखते हैं कहाँ हमारी मंजिल लेके जाएगी हमें।